हेलो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत मामानी और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस स्पेशल वीडियो लेक्चर में जिसका नाम है डी मेरिट्स ऑफ मनरेगा, या फिर हिंदी में हम इसे मनरेगा के अवगुण भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके जनरल स्टडीज 3 सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसके ऊपर आप अटेंशन, पे योर अटेंशन टू दिस स्पेशल वीडियो लेक्चर। आपको नाम सुनते ही पता चल गया होगा डी मेरिट्स ऑफ मनरेगा या मनरेगा के अवगुण। दरअसल जहां तक मेरा मानना है, तब तक आपने बहुत सारे आर्टिकल्स मनरेगा के फेवर में पढ़े होंगे, यानी कि मनरेगा को सपोर्ट करते हुए आर्टिकल, उसके बारे में पॉजिटिव चीजें, मनरेगा की जो मेरिट्स हैं, राइट, उसके जो गुड इम्पैक्ट है सोसाइटी में, उसके बारे में तो आपने बहुत कुछ आप शायद जानते भी होंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक डार्क साइड है जो मनरेगा की, जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती या अक्सर हम उसके बारे में नहीं सुनते हैं, तो वो चीज़ें हम आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, सो लेट्स क्रैक ऑन। नाउ सबसे पहले एमजी नरेगा को समझते हैं, एम ऑफ मनरेगा। इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, MGNREGA, मनरेगा। ये लॉन्च हुई थी 2006 में और one of the main reason to launch it was ke MG Narega kam se kam, right, at least kam se kam 100 dino ki employment provide karega, 100 dino ka rozgar provide karega rural area mein a berozgaron ko aur b ardh berozgaron ko, right, so to provide at least 100 days employment to rural unemployed and underemployed people in rural area, ग्रामीण विस्तार में। ना अब हम सोचते हैं ऐसा why, ऐसा क्यों किया गया होगा, या इस स्कीम ने सिर्फ रूरल एरिया को टारगेट की क्यों किया होगा, या फिर सिर्फ बेरोजगारों को और अर्ध बेरोजगारों को क्यों टारगेट किया होगा। I'm sure आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, जो लोग पिछले थोड़े समय से तैयारी कर रहे हैं उनको तो इसके बारे में बहुत कुछ पता भी होगा। नाउ द थिंग इज डियर फ्रेंड्स, कि जब रूरल इंडिया की बात करें तो हमें पता है एग्रीकल्चर इज द मेन एक्टिविटी ऑफ रूरल इंडिया, इजंट इट। खेती बाड़ी एक मुख्य व्यवसाय है हमारे ग्रामीण भारत में। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारा एरिया, राइट, नियरली 50% ऑफ आवर एग्रीकल्चर लैंड आज भी असिंचित है। इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की जो फैसिलिटीज है, वो हमारे नियरली 50% एग्रीकल्चर एरिया में नहीं है। दूसरी चीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हमें पता ही है, हमारे ग्रामीण एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इतना बड़ा, या कुछ गांव में आप इंडस्ट्रियल एरियाज फाइंड करेंगे या गांव के नजदीक में ही आपको इंडस्ट्रियल एरिया मिल जाएगा, लेकिन जब मेजॉरिटी गांव की बात करें देन यू वोंट फाइंड इंडस्ट्रियल एरिया इन रूरल इंडिया। एंड ऑफ कोर्स अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, एग्रीकल्चर मेन एक्टिविटी है, एजुकेशन का भी पेनिट्रेशन इतना नहीं है, सो ऑफ कोर्स ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है, सो ऑफ कोर्स स्किल जो होगी, उनकी जो कुशलता होगी वहां के लोगों की, वो भी लो लेवल की होगी। नाउ हम ये पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अन इरिगेटेड या फिर असिंचित खेती बाड़ी, नेचुरली अगर वहां पे सिंचाई की फैसिलिटी नहीं है तो वो बारिश पर निर्भर होगी। बारिश के ऊपर निर्भर होने के कारण और
जैसे कि हम जानते हैं, आपने लेक्चर स्लाइड में भी, एनालिसिस लेक्चर्स में भी सुना होगा, देखा होगा कि बारिश में जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे हमें जो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे पहले भी पहले अच्छी बारिश होती थी, आज उस जगह पर इतनी अच्छी बारिश नहीं हो रही है। और अगर वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है तो आप भूल ही जाइए कि आपको कुछ प्रोडक्शन मिलेगा अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में से। दूसरी चीज़ ये है, भारत का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, तो हमारे यहाँ सीजनल चेंजेस भी होते हैं और हर जगह पे हर किस्म के आप क्रॉप नहीं उगा सकते। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 6 महीने तक कोई भी फार्मिंग की एक्टिविटीज़ ही नहीं होती है भारत में, या भारत में का मतलब है कि उस पर्टिकुलर रीजन में। तो उस टाइम के ऊपर, इस टाइम पे जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, जो दूसरों की ज़मीन पे मजदूरी करने जा रहे हैं, वो अपना काम कैसे चलाएंगे? दे हैव टू फाइंड ए वर्क समवेयर एल्स, राइट? लेकिन वहाँ पे फैक्ट्रीज नहीं है, सो दे हैव टू माइग्रेट समवेयर एल्स फॉर 6 मंथ्स, एंड आफ्टर 6 मंथ्स दे हैव टू कम बैक टू देयर विलेज टू वर्क फॉर समवन एल्स लैंड। तो असिंचित होने के कारण या फिर इरिगेशन फैसिलिटी ना होने के कारण ये सब दिक्कतें पैदा होती है। तो नियरली 3 मंथ्स, राइट, 90 डेज, 100 डेज है यहाँ पे, सो नियरली 3 मंथ्स की गारंटी एम जी नरेगा इज प्रोवाइडिंग, सो दैट ये जो मजदूर है उसको दूसरी जगह पे ना जाना पड़े, उसको वहीं पे अपने घर के पास ही कुछ काम मिल जाए, जिससे कि वो जब भी खेती बाड़ी में थोड़ा सा ब्रेक या फिर वेकेशन पीरियड चल रहा है, ऑफ कोर्स ड्यू टू जियोग्राफिकल एंड नेचुरल रीजंस, तो उसको वहीं पे काम मिल जाए। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ये भी आप इसके साथ कनेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो मैं आशा रखता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर से मैंने जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया है, या फिर आप कह सकते हैं हमने जो डिस्कस किया है, उससे ये इसका जो मेन पर्पस है वो हमें क्लियरली समझ में आ गया होगा। और सिविल सर्विसेज के लिए आपको इतना जानना इनफ है, आपको एम जी नरेगा के बहुत सारी डिटेल्स कलेक्ट करना, और एक एम जी नरेगा के ऊपर आपको PhD नहीं करनी है, ठीक है? यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट एंड देन यू शुड बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स ऑफ एम जी नरेगा विथ थिंग्स दैट आर टेकिंग प्लेस इन आवर कंट्री। तो डेफिनेटली इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि एम जी नरेगा का जो उद्देश्य है, जिसका जो मेन इंटेंशन है, वो काफ़ी सराहनीय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये एक काम किराया प्रोग्राम है, इट इज ए वर्क फेयर प्रोग्राम। वर्क फेयर प्रोग्राम के तहत क्या होता है फ्रेंड्स, के गवर्नमेंट आपको जॉब प्रोवाइड करती है, पर्टिकुलरली अनस्किल्ड लेबर्स को जो वेजेस होते हैं, ऑफकोर्स अनस्किल्ड है तो वेजेस भी मिनिमम होंगे, मिनिमम से कम तो गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, एटलीस्ट जो भी मिनिमम रेट चल रहा है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? लेकिन इसके बदले में गवर्नमेंट ये भी एक आशा रखती है कि जिस व्यक्ति को काम करना है उसको भी थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि बहुत सारे कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ, तो वहाँ पे अगर आपके पास जॉब नहीं है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, तो आपको बेनिफिट्स दिए जाएंगे, राइट? आपको थोड़े बहुत पैसे अपना जीवन गुजारने के लिए थोड़े बहुत पैसे गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ऐसे ही किसी को नहीं प्रोवाइड करेगी। इट विल एक्सपेक्ट, वहां पे ऐसा है कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करेगी उस बेनिफिशियरी से कि आप भैया जॉब ढूंढने की प्रोसेस शुरू रखिए, यू हैव टू गो एंड गिव इंटरव्यूज, और आपको एक ऑफिस भी रहती है, वहाँ पे आपको रिपोर्ट भी करना होता है दैट आई वेंट टू दिस प्लेस, मैंने यहाँ पे जॉब अप्लाई की थी, ये रहा ईमेल उनका, मेरा इंटरव्यू इस टाइम पे था, एक्सेट्रा। सो दे विल कीप ए आई ऑन यू, वो आपके ऊपर नज़र भी रखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्लेम
कर रहे हो बेनिफिट्स, लेकिन आप कुछ काम नहीं ढूंढ रहे हो, बस आप गवर्नमेंट के जितने भी थोड़े बहुत पैसे ही मिलते हैं, इतने भी पैसे नहीं मिलते कि आप लग्जरियस लाइफ जी सको, लेकिन बेसिकली आप खाना पीना अच्छी तरीके से खा सको, इतने पैसे आपको मिल जाएंगे। तो हमारे यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि आप मुफ्त में, आपको 100 डेज की सैलरी नहीं मिलेगी, आपको कुछ काम करना पड़ेगा और उस काम के बदले में आपको मिनिमम वेज दिया जाएगा। इट एम्स टू प्रोवाइड जॉब्स टू ट्रूली अनस्किल्ड एंड अनएम्प्लॉयड, जो सही में अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है और जिसके पास किसी भी टाइप की कोई कुशलता नहीं है, जैसे कि वो कंप्यूटर नहीं चलाना जानते, ट्रक चलाना नहीं जानते, ट्रैक्टर्स चलाना नहीं जानते, राइट। लेकिन छोटे बहुत काम, थोड़े बहुत काम है, जैसे कि अगर आप उनको कुछ मशीन्स दे दो या फिर आप उनको कुल्हाड़ी दे दो तो वो पेड़ काटने में लग जाएगा, आप उसको सिखा दो पेड़ कैसे काटना है, तो ही इज हेल्थी इनफ, ही इज फाइन, राइट। तो दैट पर्सन विल डू द जॉब। सो गवर्नमेंट का मेन एम ये है कि इन लोगों को जॉब्स दी जाए। दूसरी चीज काम किराया प्रोग्राम की ये भी है कि ये जो लोगों के पास ऑलरेडी वर्क है, राइट, जिन लोगों के पास ऑलरेडी वर्क है, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या फिर किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, कहीं गांव में कोई छोटी सी शॉप है, किराना की शॉप है या फिर कोई पेट्रोल पंप है, तो अगर उसमें काम कर रहे हैं तो उन लोगों को इसमें जॉब नहीं दी जा सकती। इसका कारण भी है क्योंकि अगर वो लोग हैं जो दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं तो नेचुरली उनके पास थोड़ी बहुत तो अच्छी स्किल है, अंडरस्टैंडिंग है, कम्युनिकेशन स्किल होगी, पैसे गिनना, ये सारी चीज़ें तो करते होंगे। तो अगर जो जिस पर्सन के पास इतनी स्किल है और जिस पर्सन के पास कोई भी स्किल नहीं है, तो नेचुरली जिसके पास थोड़ी बहुत स्किल है उसका रिक्रूटमेंट जल्दी हो जाएगा, और हो भी गया है वो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, तो जो ट्रूली अनस्किल्ड और अनएम्प्लॉयड है उसको गवर्नमेंट चांस देना चाहती है एमजी नरेगा के तहत, राइट। और इसका प्रोहिबिशन मैंने जैसे आपको बताया कि स्किल्ड या सेमी स्किल्ड जो होते हैं, जब मैं स्किल्ड की बात कर रहा हूँ और हम एमजी नरेगा की बात कर रहे हैं, तो डोंट टेक स्किल्ड एज आईटी प्रोफेशनल्स, राइट। ये आपको एक बहुत ही एक सिंपल सी कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई करनी है, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एमजी नरेगा, सो व्हेन वी से स्किल्ड, right, so we are not talking about person who has completed his masters and bachelors, we are talking about gramin vistar, and we are talking about, when I say skilled, to uski skill ho gayi ke wo factory mein ek machine chalana janta hai, that is a skilled person when it comes to in context of MG Narega. Aur ye prohibit karta hai use of any machines, right, to aap koi bhi machines use karke MG Narega ke andar kaam nahi kar sakte, you have to use simple tools, right, जो भी सिंपल टूल्स है उससे ही काम करना है, राइट। तो ये सारी चीजें, ये बेसिकली मेन एम और एमजी नरेगा का जिस्ट भी आप कह सकते हैं। नाउ रिसेंटली कंडक्टेड रिसर्च की फाइंडिंग्स या फिर रिसर्च का जो रिजल्ट आया है, वो रिजल्ट हमें कुछ इंडिकेट करता है, ये बताता है कि एम जी नरेगा के बेनिफिट्स और इसका एम तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जो ग्राउंड रियलिटी है, इसकी जो इम्पैक्ट है, वो थोड़ी बहुत नेगेटिव, थोड़ी बहुत तो क्या, आगे चलकर ये बहुत नेगेटिव भी साबित हो सकती है। तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। नाउ रिसर्च इंडिकेट्स दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम जी नरेगा के इम्प्लीमेंटेशन से 10% गिरावट आई है फैक्ट्री जॉब्स में 10% गिरावट आई है बिकॉज ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ एमजी नरेगा। इससे क्या हुआ है, जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे, राइट, वो फैक्ट्री की जॉब छोड़कर एमजी नरेगा की जॉब्स पकड़ने लग गए हैं। वहां फैक्ट्री में से इस्तीफा दे दिया और गवर्नमेंट में जाकर, गांव में जाकर नाम लिखवा दिया अपना, और उन्होंने उसको एमजी नरेगा में जॉब मिल गई। दूसरी चीज ये है कि जो स्किल्ड लेबर है, जो फैक्ट्री में पहले काम कर रहे थे, वो लोग अब अनस्किल्ड काम, जैसे कि खड्डा खोदना और फिर बाद में जब खड्डे का काम खत्म हो जाए तो उसको
फिर से जैसा था उसा ऐसे वो रोड को फिर से अच्छी तरीके से उसमें मिट्टी डालकर ऑल राइट कर देना। ये सारे काम अब वो लोग कर रहे हैं जो पहले फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे। दूसरी चीज रिसर्च में ये मिली है कि 22.3% इंक्रीज हुआ है मशीनीकरण का। मशीनीकरण में 22.3% इंक्रीज हुआ है फैक्ट्री में, और इसका वन ऑफ द मेन रीजन है बिकॉज लेबर्स जा रहे हैं फैक्ट्रीज में से, तो फैक्ट्री वाले जो है फैक्ट्री ओनर्स है वो लोग इसको मशीन से रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर पार्टली फैक्ट्री का काम मशीन से हो रहा है और पार्टली लेबर से हो रहा है, जो काम पहले पूरा ज्यादातर मजदूर करते थे। जब इस रिसर्च ने ये रिसर्च जब शुरू की ये रिसर्चर्स ने, तो उन्होंने एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का सहारा लिया, फैक्ट्री लेवल डेटा उसमें से निकाला, और उन्होंने जो स्टडी किया है ये एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, वो जो रेंज है वो है 2002 से लेकर 2010 तक। और हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि एमजी नरेगा लॉन्च हुई थी 2006 में, तो 6 से आप ऊपर चले जाइए, 4 साल पहले एमजी नरेगा के पहले का समय और एमजी नरेगा के बाद, प्री एमजी नरेगा एंड पोस्ट एमजी नरेगा दोनों की एनालिसिस और दोनों की स्टडीज की गई है इस स्टडीज में। और ये स्टडीज में से क्लियरली निष्कर्ष निकला है कि 10% ऑफ परमानेंट फैक्ट्री वर्कर्स लेफ्ट देयर फैक्ट्री जॉब्स टू ज्वाइन एमजी नरेगा। नाउ अब ये सोचिए कि व्हाई वुड वन लीव, कोई क्यों अपनी परमानेंट जॉब जो है फैक्ट्री की, राइट, यू नो के फैक्ट्री में आपको वन डे ऑफ रहता है, जनरली वेंसडे या फिर संडे आपको एक ऑफ मिलता है और बाकी के 6 दिन आपको काम करना होता है, और ये काम पूरा साल चलता है, दैट मीन्स इट इज़ ए परमानेंट जॉब। और एमजी नरेगा का वर्क है वो परमानेंट नेचर का भी नहीं है, राइट, परमानेंट इन द सेंस के जो दूसरा काम आप इसके साथ कर रहे हैं 100 डेज, तो गवर्नमेंट आपको वेजेस प्रोवाइड कर रही है काम के बदले, लेकिन बाकी का काम जो है आपका वो इतना परमानेंट नहीं है। कई बार 50 दिन, कई बार दूसरे 100 दिन आपके पास इतना काम नहीं रहेगा। और तो टोटल ए प्रोडक्टिव पर्सन हु कैन वर्क 360 डेज और 65 डेज इज वर्किंग ओनली 200 डेज, राइट, लेकिन फैक्ट्री का वर्क तो परमानेंट वर्क है, नियरली 350 डेज या 300 हॉलीडेज और ये सारी चीजें निकालकर 325 डेज, इतना काम तो है ही है आपके पास, फिर भी ये लोग क्यों छोड़ रहे हैं? बिकॉज एमजी नरेगा में एफर्ट्स जो है मेहनत कम करनी पड़ती है, जहां के फैक्ट्री में आपको काम भी ज्यादा करना पड़ता है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, और थोड़े बहुत रिस्क भी है क्योंकि आप मशीनरी से काम कर रहे हैं, और भारत का तो हमें पता ही है हेल्थ एंड सेफ्टी और ये सारी चीजें इतनी बहुत ज्यादा नहीं है, आपको सेफ्टी शूज और हेलमेट्स और ये सारी चीजें, विजिबिलिटी जैकेट्स, आप ये सारे ड्रेस कोड पहन के फैक्ट्रीज में काम करते हुए नहीं देखेंगे लोगों को। आज भी हम उतने उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं, पर्टिकुलरली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। दूसरी चीज ये है कि ये जो मजदूर हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो एमजी नरेगा में माइग्रेट हो रहे हैं, उनके लिए आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंसेस है वो कम हो जाते हैं जब उनके विलेज में ही उनको जॉब मिलती है, जैसे कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस, क्लोथिंग एक्सपेंस और फिर खाना पीना नाश्ता वगैरह, ये जो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा होते हैं ये सारे कम हो जाते हैं जब वो एमजी नरेगा में काम करते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये लोग थोड़ा बहुत जुगाड़ या फिर वो सेटिंग भी कर लेते हैं। सेटिंग क्या होता है कि फैक्ट्री में उन्होंने परमानेंट जॉब छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट वर्क ले लिया, राइट, और बाकी का जो 100 दिन है वो काम आराम से वो एमजी नरेगा के तहत करेंगे, और 200 दिन वो या फिर उससे भी ज्यादा या कम दिन वो लोग फैक्ट्री में एज ए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर काम करेंगे। रिसर्च, ये जो फाइंडिंग्स की रिसर्च ने ये भी फाइंड किया है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क में कोई डिक्लाइन नहीं हुआ है, परमानेंट जॉब्स डाउन गई है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिक्लाइन नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट तो थोड़े बहुत, कॉन्ट्रैक्ट वर्क तो ज्यादा हुए हैं, बिकॉज
जो मजदूर है उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि 100 दिन गवर्नमेंट अगर काम नहीं है गवर्नमेंट के पास, देन अंडर एमजी नरेगा गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू, दे हैव टू गिव यू मनी फॉर दैट 100 डेज, और अगर काम है तो भी काम इतना टफ और रिस्की नहीं है। इनफैक्ट इट हैज सीन परमानेंट जॉब्स टर्निंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट वर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब फैक्ट्री वालों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? फैक्ट्री जो ओनर्स है, फैक्ट्री में जो ओनर्स है, उन लोगों ने भी मशीन को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया, उन्होंने मशीनीकरण शुरू कर दिया, राइट? लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है, ये सभी फैक्ट्रीज के को भी एप्लीकेबल नहीं है, राइट? और जब भी मजदूरों के पास दो ऑप्शन रहते हैं कि एमजी नरेगा भी है और ये परमानेंट वर्क है, तो नेचुरली दे आर गोइंग टू पुल द लेग्स ऑफ फैक्ट्री वर्क, फैक्ट्री ओनर्स। वो बोलेंगे कि देखिए हमारे पास तो वहां पे काम है 100 दिनों का, बाकी का हम कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे, तो अगर आपको हमें रखना है परमानेंट के तौर पर, देन यू हैव टू इंक्रीज आवर वेजेस। और फैक्ट्री ओनर्स तभी इसको, से फॉर एग्जाम्पल आप ही फैक्ट्री ओनर हो और आप थोड़े दिनों के बाद अगर आपके ही मजदूर बोलते हैं कि भाई हमारा जो वेजेस है उसको बढ़ा दीजिए, तो आप बोलेंगे कि भाई प्रोडक्टिविटी में कोई सुधार आएगा? विल यू इंक्रीज वर्किंग हार्ड इफ आई इंक्रीज योर वेजेस? तो उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, तो फैक्ट्री के लिए ये तो लॉस है, राइट? तो इससे अच्छा तो यही है फैक्ट्री के लिए कि वो मशीन लगा दे, इजंट इट? और मशीन आ जाने से ये जो कटोरा लेकर या फिर उनको मनाना रिझाना पड़ता है लेबर्स को, वो चीज़ें भी, ये भी जो परेशानियां होती है वो भी कम हो जाएगी, और फैक्ट्री ओनर्स अपना काम मशीन से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया और बात की कि ये जो लेक्चर है वो हम, ये जो पूरा सिनारियो है ये जानने के बाद, आपके मेंस के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो ये चीजें जो हो रही है वो अच्छी क्यों नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो काम किराया प्रोग्राम है, ये जो वर्क फेयर प्रोग्राम है, उसका जो मेन पर्पस है उसको ही ये डिफीट कर देता है। ये सारी चीजें होना, कॉन्ट्रैक्ट वर्क ज्यादा बढ़ जाना, फिर परमानेंट जॉब्स छोड़कर एमजी नरेगा की तरफ जाना, राइट? इससे दूसरी जॉब भी यही है कि एम्प्लॉयड पीपल आर कॉर्नरिंग जॉब्स ऑफ ट्रूली एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड। जो रोजगार वाले मजदूर है वो लोग जो बेरोजगार है उसकी जॉब्स छीन लेते हैं। उनके पास ऑलरेडी जॉब्स थी लेकिन वो छोड़कर वो इन लोगों के साथ रेस में आ गए, कंपटीशन में आ गए। ये यही हुआ जैसे कि किसी ने यूपीएससी क्लियर कर ली, सिविल सर्विसेज की यूपीएससी में आईएएस बन गए, उसके बाद वो जॉब को छोड़कर वो लोग फिर क्लर्क की जॉब है उसके लिए कंपटीशन में बैठ गए। तो नेचुरली इसने ज्यादा पढ़ाई की है, ज्यादा चीजों के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, तो नेचुरली ही इज गोइंग टू, एटलीस्ट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो रैंक वन आ जाएगा, राइट? लेकिन वो एटलीस्ट वन प्लेस तो अपनी बुक कर ही लेगा। तो उससे जो जिस आदमी का कैलिबर क्लर्क का है, जिसका सपना है कि वो गवर्नमेंट जॉब एज ए क्लर्क के रूप में काम करे, तो उसकी तो नौकरी ही चली गई, बिकॉज जिसके पास ज्यादा स्किल थी वो कम स्किल की रेस में, कंपटीशन में उतर गया। फैक्ट्रीज डू नॉट हैव फाइनेंस टू डिप्लॉय मशीन्स, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि हर फैक्ट्री के पास पैसे पड़े ही है कि वो मशीन्स डिप्लॉय कर दे। उनको पास कई बार लोन नहीं मिलती, कई बार ऑलरेडी पेंडिंग लोन है और ये सारी चीजें चल रही है, तो इससे फैक्ट्री का बिजनेस भी बंद हो सकता है। दूसरी चीज है कि जो मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया प्रोग्राम है, हम मेक इन इंडिया के तहत बड़ी कंपनी अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उसके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पुर्जे छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनाती है, और अगर उन छोटी छोटी फैक्ट्रीज में ऐसे प्रॉब्लम्स है तो वो इस गेम के बाहर निकल जाएगी। और बहुत सारी अगर फैक्ट्रीज की हालत ये रही तो हमारा जो पूरा मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको में भी हम मार खा सकते हैं, और स्किल इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट होता ही है, राइट? दूसरी चीज़ और थर्ड एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, ये जो कुशल मजदूर है उसका कन्वर्जन हो जाता है अनस्किल्ड वर्कर में। जो पहले फैक्ट्री में काम करता था, मशीन्स चलाता था, ट्रैक्टर्स चलाता था, ट्रक चलाता था, ये सारी चीज़ें करता था, थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी चला लेता था, ना वो छोड़कर
कुल्हाड़ी लेकर या फिर खड्डे खोदने में लग गया है, तो उससे उसकी स्किल चली जाएगी और उसके बाद वो स्किल्ड लेबर अब अनस्किल्ड हो जाएगा, राइट। तो ये ह्यूमन कैपिटल के कंटेक्स्ट में ये हमारे देश के लिए, सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें? अपने एमजी नरेगा प्रोग्राम को की डिजाइन के ऊपर फोकस करना चाहिए और जितनी भी खामियां हैं उसको री इंजीनियर करना चाहिए। पूरी एमजी नरेगा को हमें री इंजीनियर करना चाहिए। स्किल कुशलता के विकास को हमें एमजी नरेगा के तहत बढ़ावा देना चाहिए और ऐसी जो एंट्री है, राइट, ये जो एम्प्लॉयड पीपल जो इसमें आ जाते हैं उसको हमें बंद करना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ तक हम रखते हैं एमजी नरेगा के जो अवगुण हैं, डीमेरिट्स ऑफ एमजी नरेगा है, ये सारे के सारे मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी और मेंस के कंटेक्स्ट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज आप इसको, अगर आपको ये पहली बार सुनने से अगर आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं लगा, तो पढ़ाई का एक तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। जस्ट डू वन थिंग, रिपीट दिस होल वीडियो। आप इसको स्टार्टिंग से लेकर फिनिश तक फिर से सुनिए और देखिए जो चीजें आपको पहली टाइम में समझ नहीं आई थी वो दूसरी बार सुनने से कितनी अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। और गुड थिंग ये है फ्रेंड्स, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, अगर आप लाइव लेक्चर में होते, राइट, तो बहुत सारी चीजें अगर आपको पता नहीं है तो वो चली जाती, लेकिन बिकॉज ये लेक्चर रिकॉर्ड हो गया है, अब यूट्यूब पे है, तो आप इसको, कोई एक चीज अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको दोबारा और कई कई बार सुन सकते हैं, तो इसका भी आप बखूबी फायदा उठाइए, राइट फ्रेंड्स। आप प्लीज मुझे अपना फीडबैक दीजिए, याद कीजिए ये लेक्चर नहीं है, ये डिस्कशन है। मेरी तरफ से जितनी भी चीजें थी मैंने आपके आपको प्रेजेंट कर दी है। अब आप स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चे नहीं है, नाउ यू आर एडल्ट स्टूडेंट्स, राइट। तो आपको मजा भी तब आएगा जब आप इंटरेक्ट करेंगे इस चीज के बारे में, अगर थोड़ी बहुत डिस्कशन हो। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये डिस्कशन आप मेरे साथ ही कीजिए, आप अपने छोटे छोटे ग्रुप है वो बना के, और ग्रुप नहीं है तो आपके पास ये ओपन कंपटीशन है, राइट। आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपका फीडबैक राइट डाउन कीजिए, और आई एम श्योर दूसरे आप ही की तरह एक्टिव मेंबर्स जो होंगे वो इसकी प्रतिक्रिया करेंगे, तो इससे भी आपको दो तीन पॉइंट्स नए इसमें से मिल जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। सो आई विल ईगरली वेट फॉर योर फीडबैक, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहां तक रखता हूँ, दिस इज प्रशांत मामनी साइनिंग ऑफ नाउ, एंजॉय योर स्टडीज, टेक केयर, गुड बाय।